सब एक ख्वाब की तरह लग रहा है। 6 महीने हो गए इस ख्वाब के इंतजार में। क्या इतना वक्त गुजर गया? दरअसल कल 2:29 पर पूरे 6 माह हो चुके हैं तुम्हें आखिरी बार देखे हुए। 5 अगस्त 2:29 पर तुम्हें आखिरी बार देखा था। मुझे हैरत हुई और मैं खुश हुआ क्योंकि इसे याद रखना वाकई मुश्किल था मेरे लिए। ये डिश वाकई बहुत जबरदस्त है। आने वाले दिनों में थैंक यू सो मच। मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि चंद दिनों बाद बर्फबारी का भी इम्कान है। कभी रश्क आता है तुम पे पता है क्यों? क्यों? मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग है और तुम हमेशा घूमते रहते हो। जराए के मुताबिक तकरीबन 2 अफराद जा बहक हो चुके हैं जबकि 3 अफराद जख्मी हैं। हकीकत वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। अगर तुम एक दिन के लिए भी मेरी जिंदगी अपनाओगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, इसलिए भूल जाओ। तुम मुझे अपने ऑफिस के लोगों से क्यों नहीं मिलवाते? अपील की है ताकि ट्रैफिक हादसा की शरह में कमी आए। क्योंकि इस माह तकरीबन 10 ट्रैफिक ऑफिस में मुझे कोई पसंद नहीं करता। अफसोसनाक बात यह है कि उनमें कीमती जानों का नुकसान हुआ है। अब बढ़ते हैं। बासकत लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम मिस पुरजरारियत की बुआ थी। मैं आखिर तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? नहीं मालूम। फिल्म सास का कहना है कि तारीख पर फिल्म बनाने का मकसद अपनी तारीख को हमेशा जिंदा रखना है ताकि। मगर ये भी सच है मुझे पुरस्कार लोग पसंद है। तुम्हें पसंद है? अच्छा तो मैं पुरस्कार हूँ और भूखा भी हूँ। मैं खाना क्यों नहीं खा रही? मैं खा चुकी, अब तुम खाओ। हमारी अगली खबर एक अफसोसनाक हादसे की है। एक गाड़ी जो तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकरा गई। हादसे का शिकार होने वालों के मुतालिक और हमारी इत्तलात के मुताबिक इन चारों गाड़ियों में से कोई हलाक नहीं हुआ है जबकि हादसे का बाइस बनने वाले कार ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उस ड्राइवर की हालत काफी तशवीशनाक बनी जा रही है। उन्होंने इस टीचर का कत्ल किया, अब देखो पकड़े गए। तो नाज़रीन शहीद किया जारी रखेंगे। हमारी उम्मीद है उनको जरूर सज़ा मिलेगी। जापान के हैंशन रेंज से है। उन्होंने पकड़ लिया है उसे, अब हम सुकून की सांस ले सकते हैं। चलो अब नाश्ते की तरफ ध्यान दो। आने वाले खतरनाक जलजले में अपनी जानें गंवा दी।